एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज अभी बज रहा है, 1:30 बज गया है और मैं करने वाली हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग में मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली, बस सोफ़ा नहीं किया था बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा सोफ़ा कर देते हैं। और आज मैंने जल्दी से खाना बना लिया था, तो लंच वंच हो गया है, मैंने नहा लिया है। पता, नहाने के बाद मेरी हालत ये हो गई है क्योंकि मैंने कॉम नहीं किए हैं, और क्योंकि बहुत काम ज़्यादा होता है ना जब, तो मैं जल्दी जल्दी करना शुरू कर देती हूँ। मेरा एक है, मुझे ना काम का जब भूत सवार होता है ना, तो फिर वो पूरा अच्छे तरीके से भूत निकलता है। जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो देखो, वहाँ पे मशीन मैंने लगा दी है और सोफ़े के कवर सारे निकाल दिए। आप लोग वैसे ब्लैक सोफ़ा देखते होंगे ना मेरे ब्लॉग में, बट अभी देखो वैसे सोफ़ा इस टाइप का है और ये रिक्लाइनर सोफ़ा है, ये नॉर्मल सोफ़ा नहीं है, ये खुल जाता है पूरा, उस टाइप का सोफ़ा है। सो मैंने बहुत टाइम लगता है यार काम करने में सच में, और इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब ये देखो, ये सारे सोफ़े के कवर अवर मैंने निकाल दिए हैं, धुल रहे हैं, इसलिए पाइप लगाया है मशीन, क्योंकि हम लोगों ने बालकनी में अपनी रख दी है। इसमें वॉशरूम में रखी हुई थी पहले, बट उससे क्या होता है ना, जगह भर जाती थी, तो मैंने ना बालकनी में रख दी है, वहीं से कपड़े धोते जाते हैं, वहीं डालते जाते हैं। सो अभी मैं अपना काम कर लूँ, बहुत ज़्यादा काम करना है। और इसके लिए मैंने, मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर पहले से था, बट वो बहुत छोटा है, उससे काम होगा नहीं। सो मैंने एक बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर मंगाया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा है, आधा तो मैंने कर भी लिया है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शाइन और मैं कैसे इसको साफ़ करने में लगे हुए हैं। आधा आशी ने किया है, आधा मैंने किया, आधा शाइन ने किया है, सब मिल के लगे हुए हैं घर में काम करने के लिए। सो पहले अपना काम कर लेती हूँ, बहुत काम है सच में। सो ये है वो वैक्यूम क्लीनर जो हम लोगों ने अभी मंगाया, ये बहुत अच्छा है। और ये हमारे घर में एक फायर फाइटिंग का पाइप दिया हुआ है कि मतलब अगर आग लग जाए तो इसमें से पानी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो इसमें इतनी डस्ट थी इसके ऊपर, बट ये सारी डस्ट वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। और अब मैंने निकाल ली हूँ सोफ़े के कवर। ये हमारे सोफ़े में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसके जो साइड के कुशंस है ना, ये बहुत अच्छे से आराम से निकल जाते हैं, उसमें चेन लगी है, आराम से ओपन कर लो और साफ़ हो जाते हैं, नहीं तो अंदर कैसे साफ़ कर सकते। सो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। ये देखो, ये साइड से एक चेन जिप दी है लोगों ने, तो यहाँ से साइड से ओपन हो जाते हैं सारे सोफ़ा। वैसे तो वो सारा सोफ़ा ही खुल जाता है, बट इतना हम कर नहीं सकते। और ये देखो, शाइन को वैक्यूम क्लीनर से बहुत मज़े आ रहे थे, ये लगा हुआ था अपना। तो ये एक सोफ़े का मैंने सारे कवर निकाल लिया है, अब हम करेंगे इसकी क्लीनिंग, वो भी वैक्यूम क्लीनर से। ये पूरी विंडो बहुत डस्ट थी हर जगह, और इतनी डस्ट यदि कपड़े से करते ना तो हालत ख़राब हो जाती थी, जुकाम हो जाता है मुझे तो। सो ये देखो, ये इसका भी निकाल दिया है मैंने कवर। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये वही सोफ़ा है, क्योंकि उसके कवर अलग ही है बिल्कुल। डाइनिंग टेबल पे इतना सामान फैला हुआ है ना घर में, सच में जब सफाई करूँ ना तो मैं क्या करती हूँ, सारे ही ओपन कर लेते हैं इधर उधर। देखो, रूम में भी पड़ा हुआ है। और ये देखो, शाइन ना स्पीकर लेके आया है, इसको क्लीन कर रहा है। शाइन को बहुत मज़े आ रहे थे वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करने में। सो ये आशी का स्पीकर लेके आया है, कहता है हम क्लीन करेंगे। उनसे रखवा लिया है कि इसको बाहर बालकनी में रख दो, हम बहुत अच्छे से इसको आपके इसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर देंगे। सो लगा हुआ है, बहुत मज़े आते हैं बच्चों को, तो और ज़्यादा मज़े आते हैं जब कुछ सफाई हो या घर में कोई भी काम होते हैं ना, तो बच्चों को बहुत मज़े आते हैं। हम लोग को तो ऐसा लगता है कि थक जाएंगे, बट बच्चों को ऐसा लगता है। शाइन का तो एक है, शाइन को अगर कुछ भी बोलो ना कि ये ले आओ बेटा, ये ले आओ, तो उसे लगता है अरे वाह, हमसे काम के लिए बोला है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। ये देखो, लगा हुआ है साफ़ करने में, डर लग रहा था कि कहीं गिरा ना दे, टूट ना जाए, बट पूरा उसने बहुत अच्छे से क्लीन किया है। अब मैं जाती हूँ सोफ़े को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि सोफ़े में इतनी डस्ट होगी ना, बहुत ज़्यादा डस्ट होगी। अब देखो, उसने ये क्लीन कर लिया, अभी अंदर आ जाएगा हम लोग के हमारे पास, कहेगा अब मैं ये क्लीन कर देता हूँ। सुनता ही नहीं है, इतना ज़्यादा बोलता है ना। अगर अभी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, यदि मैं आपको इसकी वॉइस सुनाऊँगी ना, तो इतना बोलता है, बहुत बोलता है, पता नहीं। और आजकल तो मेरे वीडियो देख लेता है ना कि मम्मा ऐसे बोलती है, तो ऐसे ही बोलता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बोलता है, बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसे बोलता है कि वेलकम टू माई चैनल। ये देखो, लगा हुआ है, उसको बहुत मजे आ रहे थे। अब मैं सुनाती हूँ, ये देखो कैसे चिल्लाएगा अभी। Hello everyone, welcome to Bad Channel. Today we are learning about animals. See this.
देखा आपने कैसा चिल्ला रहा था ना, बहुत ज़्यादा बोलता है। और कैमरे के पास आके तो इतना बोलता है ना आजकल, तो कहता है मम्मा मेरा वीडियो बनाओ, उसको पता नहीं क्या। और ये वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और बाद में हम लोगों ने इससे ज़मीन भी साफ़ कर ली थी, मतलब झाड़ू पोछा का काम ही ख़त्म कर दिया था। ये देखो शाइन आया। शाइन बहुत बोलता है, उसकी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। अब मैं कर लेती हूँ इसको नीचे से साफ़। ये और ये हमारा सोफ़ा बहुत अच्छा है, मतलब इतना वेट बहुत हैवी नहीं है कि इसको उल्टा ना कर सको, मैं आराम से इसको उल्टा करके क्लीन कर लेती हूँ। इसमें बहुत डस्ट है, ये देखो कितनी डस्ट है। और ये वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी, क्योंकि इसमें सक्शन जो है ना उसकी बहुत अच्छा है। और इतना मैं कपड़े से करती तो शायद जुकाम हो जाता है, क्योंकि किसी किसी को ना एलर्जी होती है और कभी कभी ज़्यादा डस्ट होना तो जुकाम ज़्यादा हो जाता है। सो वैक्यूम क्लीनर बेस्ट है यदि आपको सफाई करनी है तो। मेरा सोफ़ा बिल्कुल चमक गया है, मैंने पूरी तरीके से इसको चमका लिया है। आप देख सकते हैं कितना गंदा था और ये बिल्कुल वाइट हो गया है। बहुत गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा था ना, आप बता नहीं सकते कि इतना गंदा था। 8 महीने में मेरे घर की, मुझे पता ही नहीं था, हम लोगों ने जब आए तो एक चद्दर में डाल के गई थी और वो निकाला, बैठ गए थोड़ा बहुत साफ़ करके, बट जब साफ़ करने बैठे तब समझ में आया, मैंने इसको उल्टा पुल्टा करके जब साफ़ किया ना तो बहुत डस्ट निकली है। और अभी भी क्लीनिंग कम नहीं हुई है, देखो डाइनिंग टेबल की हालत क्या हो रखी है। और शाइन वॉशरूम में घुसा हुआ है क्योंकि वो इतना थक गया है, और फैन एन ऑफ करके हम लोग क्लीनिंग कर रहे थे। सो बहुत गर्मी लग रही है, सो शाइन इतना थक गया है कि वो वॉशरूम के अंदर जाके कब बैठ गया है और शावर ऑन करके वो बैठा हुआ है वहाँ पे। सो अभी मैं जाती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और मेरी डीप क्लीनिंग यदि आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोग जब भी काम करें ना तो भूत सवार जरूर करें अपने ऊपर, क्योंकि होता क्या है ना, यदि आप काम कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो, ऐसे नॉर्मल सी काम करने की क्या ज़रूरत है ना। सो मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में भी ये सब लोग कहते हैं, जब मम्मी भी कहती है मेरी, जब भूत सवार होता है ना तो भूत पूरे काम करके ही निकलता है। सो मैं अब जाती हूँ, नहा लेती हूँ, पहले ये काम करके ख़त्म कर ले। मैंने वैक्यूम क्लीनर से ज़मीन ही साफ़ कर ली फिर बाद में, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में बहुत टाइम लग जाता। और मेरा जो मशीन है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने सारे सोफ़े के कवर साफ़ कर दिए हैं, बाहर डाल दिए सारे, वो फैन ऑन कर दिया, बालकनी में फैन लगा हुआ है। सो ये देखो मैंने सारे कवर वॉश करके बालकनी में डाल दिया, सूख भी गए। और आपको मैं दिखाऊँ, इतना गंदा था ये मशीन के पास, ब्लैक कलर का पानी निकला है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गंदा था। सो ये देखो मेरा सोफ़ा बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल चमक गया है। वैक्यूम क्लीनर बेस्ट है, आप लोग एक घर में वैक्यूम क्लीनर ज़रूर होना चाहिए एक बड़ा सा, जिससे बहुत अच्छी से सफाई हो सके। सो मैं सोच रही थी कि नहाने जाऊँ, बस ऐसे ही करते करते शाम का 8 बज गया, बट मैं नहाने नहीं जा पाई। हुआ क्या कि जो भी सामान जो फैलाया होता है फिर उसको रखना भी तो होता है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा अब सारा काम करके ही नहाएंगे और फिर आराम से सो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा पहले खाना बना लिया, खाना बनाने के बाद मैं, जब तक ये सूख गए कवर, तो मैंने सोचा कवर भी डाल देते हैं साथ के साथ, क्योंकि शाइन जैसे ही आएगा ना तो इस पर कूदता है और इतना साफ़ करने के बाद वो फिर गंदा कर देगा, इसलिए मैंने कवर डाल दिया। और एक कवर ना मैंने खुद बनाए हैं, इसका वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पर डाल रखा है, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये कवर थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, सो यही मैं कवर डाल देती हूँ। बहुत थक गई थी मैं, इतना थक गई थी ना, मैंने सोचा अब इतना थक गए हैं ना, और नहाने के बाद बिल्कुल मन नहीं होता कि और काम करूँ। सो मैंने क्या किया, खाना बना दिया और खाना बना के ख़त्म ही किया, देखा तो ये सारे सूख गए थे, तो मैंने कहा जब सूख गए हैं तो चलो इनको भी लगे हाथ डाल ही दो, क्या काम फिर वही, नहीं तो नहाने के बाद आऊँगी खाना खाऊँगी फिर उसी में लग जाऊँगी। और जब काम करो ना तो थकान तो हो ही जाती है, बट ऐसा होता है, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता होगा, कि यदि आप काम कर रहे हैं ना, काम करते 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 रहो तब तो ठीक है, यदि आप एक बार बैठ गए ना
फिर बहुत आलस आता है, सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा आता है। एक बार यदि बैठ गए ना, खाना वाना खा लिया, तो फिर बिल्कुल मन नहीं होता कि कोई काम किया जाए। और यदि आप काम करते रहोगे ना करते रहोगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप थक रहे हो, लेकिन बैठ गए ना तो उसके बाद बहुत थकान महसूस होती है। सो ये मैं कवर डाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मेरा। शाइन भी बीच बीच में परेशान करता है ना, तो और ज़्यादा देर हो जाती है, नहीं तो काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन और मेरे जो कवर है ना सोफ़े के, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट वाले हैं, क्योंकि इससे ये जो रिक्लाइनर सोफ़ा है ना, इसको ओपन करो फिर लगाओ, इस टाइप के कवर हैं। और ये देखो साइड के अलग हैं, मतलब पूरे सोफ़े में ना 4-5 कवर हैं जो बिल्कुल फिक्स करना होता है, क्योंकि अगर फिक्स नहीं करेंगे तो वो इधर उधर से निकल जाएंगे। तो बहुत टाइम लगता है काम करने में, इतना आसान नहीं है काम करना। तो ये देखो मेरे कवर कंप्लीट हो गए हैं, बट साइड के रह गए हैं, वो भी मैं जल्दी से डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब जल्दी से डाल के इसको ख़त्म करते हैं। ये देखो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको लग रहा होगा कि मैंने कैसा सोफ़ा था, अब कैसा हो गया, इसका कलर ही चेंज हो गया। मैं चाहूँ तो इसके अलग अलग टाइप के सोफ़े कवर बना के ना अपने सोफ़े का कवर चेंज कर सकती हूँ। ये देखो मैंने कितने अच्छे से कवर बनाया था, कि इसका होल जो है ना उसको भी अलग टाइप से दिया था, इस टाइप से कुछ ओपन हो जाता है। ये जो 2 2-सीटर वाला है ना, ये दोनों ओपन हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर बेड बन जाता है। और जो 3-सीटर वाला है, उसके बीच का ओपन नहीं होता है। और ये कवर मैंने प्रॉपर बांध दिया है नीचे से वेलक्रो लगा के, तो बहुत अच्छे से ये बंद हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से। सो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ यदि पसंद नहीं आए तो डिसलाइक आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है।